तो हाँ जी मित्रों और मित्रानियों, आज हम बात करने वाले हैं सेजल के बारे में। चलो भाई, सेजल नाम सुन के आप लोग को लग रहा होगा कि काफी खूबसूरत और प्यारी सी लड़की होगी। राजा जी, ना जी ना, नक्को बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो लड़की है काली, भूतनी, बौनी, मोटी, जो भी कह लीजिए। वो अपने कैप्शन में लिखती है कि झाड़ पोछा करने के बाद मैं यूट्यूब पर कुछ पोस्ट करने के लिए आ जाती हूँ। लेकिन मुझे एक डाउट लग रहा है, ये पूरा का पूरा झाड़ू पोछा ही पेस्ट करने, कॉपी पेस्ट करने यूट्यूब पे आ जाती है। बात तो सही है। चलिए ये फटाफट से इसकी वीडियो देखते हैं और करते हैं इसको रोस्ट। आज मैं सबसे पहले इसकी दी गई सारी चीजों को जलाऊंगी, फिर इस बुक में हमारे प्यार की सारी मेमोरीज कैद है, इसको भी जलाऊंगी। बहन जो, ये क्या है, ये भी यादें संजो के रखी जाती है क्या भाई साहब? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, अभी भी नहीं समझे, गौर से देखो वीडियो को एक बार। आज मैं सबसे पहले इसकी दी गई सारी चीजों को जलाऊंगी, फिर इस बुक में हमारे प्यार की सारी मेमोरीज कैद है, इसको भी जलाऊंगी। कौन रखता है, इससे बड़ी मूर्ख लड़की मैंने आज तक ना देखी। और दूसरी चीज भाई, ये वो प्राणी है जिसको इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक इस समय पे सब लोग जानते हैं। असंभव, असंभव बेचोद, असंभव। और इसकी बकचोदी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो आओ इसकी अगली वीडियो देखते हैं। सबको लगता है मैं एक चांडाल किस्म की औरत हूँ। बहन तुझे देखने से ही लगता है तू चांडाल किस्म की औरत है, वो भी दूसरे और तीसरे नंबर की नहीं, पहले नंबर की चांडाल किस्म की औरत है तू। पहली हुई है टी शर्ट जिसपे लिखा हुआ है गूगल, और इसका कंटेंट क्रोम लायक भी नहीं है। नहीं, अगर हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं तो भाई साहब यूट्यूब क्या करता है, अगर इससे रिलेटेड इसको रोस्ट करते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर एज रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। लेकिन भाई साहब रोस्ट कर रहा हूँ, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए। यूट्यूब से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया बेरोजगारों का पेट पर लात ना मारे, ठीक है? और भाई साहब इसकी बकचोदी यही नहीं रुकती है, इसकी बकचोदी इससे एक लेवल और आगे जाती है। चलिए ये वो भी दिखाता हूँ मैं। चलो भाई, अब भाई साहब एक बात हमको ये बताइए, चलिए इंस्टाग्राम तक ठीक है, क्या हो जब यही सेजल यूट्यूब पे आ जाए? शाबाश है, आप लोगों को लग रहा है नहीं है, है यूट्यूब पे, लेकिन कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई साहब इसके वीडियोस पे। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सरेआम अपने बंद के टट्टे मुंह में दबा के फिरती है, कौन रोकता है इसको? कोई नहीं रोकता है। जो टट्टे दबा लिए, ये क्या खेल चल रहा है, ये क्या बात हो गई भाई साहब? नहीं, हमको ये बात बता दीजिए, क्या बात हो गई? नहीं, इसका कंटेंट डार्क है, कुछ लोग इसको समझ रहे हैं भाई साहब ये डार्क कॉमेडी है, ये डार्क कॉमेडी नहीं है, हम सब चूतिया है जो इसको देख रहे हैं। ये क्या बात करता है यार, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। नहीं, आप बताइए कौन ऐसा करता है भाई साहब? अरे देवा, आपको अपने बेडरूम की कुछ चीजें दिखाऊंगी। ये रहा मेरा ड्रॉवर, ये रही मेरी जबान, और यहाँ मैं रात को सुसुक। माँ का तोबा तोबा तोबा, सच बता रहा हूँ, इस वक्त मैं पानी पी रहा हूँ और ये मेरे पैसा बर्बाद बहन चोद। कभी ये कमोड जागती है, कभी अपना सुसु पी जाती है, और उसके बाद बहन चोद अब ये देख लो। माँ की मैं बता रहा हूँ, अगर सामने पड़ जाए तो उसको थप्पड़ मार दूं मैं। एक मिनट भाई साहब, मैं जा रहा हूँ, हमको जाने दीजिए। मैं जा रहा हूँ भाई साहब, मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ, एक बार फिर मैं जा रहा हूँ। सब छोड़ो, एक बात ये बताओ उसके माँ बाप कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है इसके माँ बाप, जो ऐसी पागल औलाद को खुली छोड़ रखी है इन्होंने, खुली छूट दे के रखा है इन लोगों ने कि जो कर रहे थे कर। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भोसड़ी क्या, पागल है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये जाके अपने माँ बाप से करिए मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके माँ बाप अस्थि कलश में बंद हो जा रहे हैं।
पागल औरत। सॉरी बहन, हमें पता नहीं था तेरे माँ बाप नहीं है, क्योंकि तू लात मार रही है ना। सच बता रहे हैं भाई साहब, लात खाने लायक इसके कर्म है और इसके माँ बाप के भी। बात तो सही है। ये ना सुधरने वाली भाई साहब, हम सर पटक के मर जाएंगे तब भी ये लड़की नहीं सुधरेगी। उन महीने के कारण मुझे कई बार आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए मैं उसको दोबारा पी गई। अरे मैया, ऐसा करता है तू, हमको ये बताओ यार। नहीं, कभी सुसु भी जा रही है, कभी कमोड चाट जा रही है, और अब इसके बाद पेट अपने मुंह पर मर लिया। अबे ये लड़की है या चूतिया है, कोई हमको ये समझा दो बॉस। नहीं, कोई हमको समझा दो। मैं क्या करूं, मैं इसके साथ क्या करूं। हरामी जितनी है काली नहीं है, भूतनी नहीं है, उससे ज्यादा इसका कंटेंट डार्क है। और इसके बंदे को भी देखो, साले को कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। दो चार थप्पड़ लगाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। भाई साहब मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी भी समय है, इसको रोक लो। और भाई साहब यूट्यूब, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं, कृपया हमारे वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन मत डालिए। तो भाई साहब हम जा रहे हैं कि लोग इसको देखें, इसके जैसे पर्सनालिटी को लोग देखें। क्या है ना, ये थोड़ी सी चूतिया है, और कुछ लोग समझ रहे होंगे भाई साहब ये डार्क कॉमेडी है। मत समझना बॉस, मत समझना। और अगर देख रहे हो तो अभी चले जाओ, और देख रहे हो ना तो अभी चले जाओ। मैं बता रहा हूँ, एक नंबर की हरामी लड़की है, और इसका शब्द तुम सुन नहीं पाओगे। वैसे मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में, और इसके अगले पार्ट के साथ भी आऊंगा। चलता हूँ, जयराम जी की।